आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेसिप्रोकल इक्वेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 6x^5 - 41x^4 + 97x³ - 97x² + 41x - 6 = 0। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 1/x पुट करें तो भी आपका ये जो इक्वेशन है वो अनचेंज्ड होगा। दैट मीन्स तब भी आपका ये इक्वेशन अनचेंज रहेगा। ऐसे इक्वेशन जहाँ पे x का रेसिप्रोकल, मतलब किसी भी इक्वेशन के रूट का रेसिप्रोकल अगर हम पुट कर रहे हैं तो भी आपका इक्वेशन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब ध्यान से देखिएगा इसका ऑर्डर कितना है, 5। मतलब कि डिग्री आपकी कितनी है, ऑड डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट एंड पे मैग्नीट्यूड 6 है, लास्ट एंड पे भी मैग्नीट्यूड कितना है, 6। बट यहाँ पे ये कैसा है, पॉजिटिव, और यहाँ पे ये कैसा है, नेगेटिव। मतलब कि डिग्री आपकी ऑड है और साइन आपका कैसा है, ऑपोजिट साइन। इस केस में आपकी एक वैल्यू रूट की हमेशा क्या होती है, 1 होती है। किस केस में, अगर ऑड डिग्री है और ऑपोजिट साइन है तो आपका हमेशा एक रूट क्या होगा, 1 होगा। अब जैसा कि हमको एक रूट पता चल गया है, x का एक रूट 1 है, तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन हम अप्लाई करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा अपन हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने गिवन इक्वेशन हमारे 1 से यहाँ से सारे कोफिशियंट पुट किए, मतलब x5 का कोफिशियंट 6, फिर वैसे ही x^4 का कोफिशियंट -41, x³ का कोफिशियंट 97, x² का कोफिशियंट -97, x का कोफिशियंट 41 एंड देन कॉन्स्टेंट। मतलब हमको यहाँ पे सारे कोफिशियंट हमको पुट करने वाले और हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने वाले हैं। हमारा जो रूट की वैल्यू क्या है, 1 से हम सिंथेटिक डिवीजन करने वाले हैं। मैंने जैसे पहले भी आपको सिंथेटिक डिवीजन बताया है, फर्स्ट जो टर्म होता है वो एज इट इज आता है, मतलब 6 एज इट इज यहाँ पे आया, 6 × 1। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 6। -41 + 6 आपका आंसर कितना आ रहा है, -35। -35 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, -35। 97 - 35 आपको वैल्यू कितनी मिली, 62। 62 × 1 यहाँ पे कितना मिला, 62। -97 + 62 आपको वैल्यू कितनी मिली, -35। आप वापस से -35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, -35। यहाँ से आपको वैल्यू मिली 6। 6 × 1 = 6। दैट मीन्स आपका जो गिवन इक्वेशन था x^5 का, वो आपका रिड्यूस हो गया है 4 पे। मतलब कि हमारा जो इक्वेशन है वो रिड्यूस होके हमको जो मिला वो क्या मिला, 6x^4 - 35x³ + 62x² - 35x + 6 = 0। आप यहाँ पे एक इक्वेशन दे देते, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, हमको रेसिप्रोकल इक्वेशन पे हमेशा x^4 तक लेकर आना है। अब हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, हमेशा डिवाइड करेंगे बाय x² से। मतलब हमने इक्वेशन 2 को डिवाइड करने जा रहे हैं x² से। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम x² से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 6x² - 35x, यहाँ क्या मिलेगा, +62, यहाँ मिलेगा -35/x, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 6x² = 0। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, कॉमन लेने वाले हैं। अगर आप 6 को कॉमन लेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, x² + 1/x². वैसे ही -35 को आप कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x + 1/x + 62 = 0। अब आप ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे लेट करने जा रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे x + 1/x को पुट करेंगे y,
और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को हम पुट करेंगे वाई स्क्वायर माइनस टू। वाई स्क्वायर माइनस टू कहाँ से आया? देखिए आप अगर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ पे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी वाई स्क्वायर माइनस टू। जब आप ये वैल्यूज इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन थ्री क्या बनेगा देखिएगा, सिक्स वाई स्क्वायर माइनस टू माइनस थर्टी फाइव वाई प्लस सिक्सटी टू इक्वल्स टू जीरो। आप थोड़ा सा इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, सिक्स वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टी फाइव वाई प्लस सिक्सटी टू इक्वल्स टू जीरो। तो आपका इक्वेशन जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है सिक्स वाई स्क्वायर माइनस थर्टी फाइव वाई प्लस फिफ्टी इक्वल्स टू जीरो। आपको जो इक्वेशन मिला वो ये मिला। अब आप ये रूट निकालेंगे तो वाई का जो रूट निकलेगा वो कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, माइनस थर्टी फाइव प्लस माइनस अंडर रूट माइनस थर्टी फाइव का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू सिक्स इंटू फिफ्टी अपॉन टू इंटू सिक्स। हमने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया, इसको सॉल्व करने से हमको y की वैल्यूज मिल रही है, हमको दो वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, एक वैल्यू मिल रही है आपको 10 बाई थ्री और दूसरी वैल्यू आपको मिल रही है 5 बाई टू। अब जैसा कि हमने क्या लेट किया था, x प्लस वन बाई एक्स को y लेट किया था, मतलब कि हम इक्वेट करेंगे x प्लस वन बाई एक्स को 10 बाई थ्री से, वैसे ही एक बार हम इक्वेट करेंगे x प्लस वन बाई एक्स को 5 बाई टू से। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई और एलसीएम इक्वल करके हमको जो इक्वेशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। वैसे यहाँ पे हमको जो इक्वेशन मिल रहा है सॉल्व करने से वो क्या मिल रहा है, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अगर हम इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसका रूट निकाले, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं, चाहे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल सकते हैं का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो यहां से आपको एक्स की दो वैल्यू मिल रही है, एक वैल्यू मिल रही है थ्री, एक वैल्यू मिल रही है वन बाई थ्री। वैसे यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल रही है टू एंड वन बाई टू। यहां से आपको दो वैल्यू मिली, यहां से आपको दो वैल्यू मिली, बट आपका जो इक्वेशन था उसका टोटल हाईएस्ट डिग्री कितना था, फाइव था, मतलब आपको पांच रूट मिलनी चाहिए। तो सबसे पहला रूट हमने निकाल लिया, हमने वन से सिंथेटिक डिवीजन किया था तो वो भी तो आपका एक रूट था, मतलब आपके जो पांच रूट थे आप लास्ट में यहाँ पे वन लिखेंगे, मतलब आपको ये जो आपके पांचों रूट्स मिल गए। तो आपके जो इक्वेशन गिवन इक्वेशन के जो रूट्स मिले वो क्या क्या मिले, एक रूट आपका मिला वन, एक रूट मिला आपको टू, एक मिला वन बाई टू, थ्री एंड वन बाई थ्री। ये आपका हुआ कंप्लीट आंसर।